मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था, उन्होंने कहा था कि 75 लाख के गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहां पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद किसी बात के ऊपर यहाँ लाया जाएगा? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किए। पत्रकार की गिरफ्तारी के मामले ने पकड़ा तूल, लोगों ने कहा यूपी में विकास के सवाल का जवाब है जेल। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मामला यूपी के चंदौसी विधानसभा के बुद्धनगर खंडवा गांव का है, जहां 2 दिन पहले एक यूट्यूबर पत्रकार संजय राणा ने भरे मंच में जाकर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से विकास के वादों से जुड़े सवाल कर दिए। आपने कहा था कि ये हरवंशी समाज का गांव यानी मेरा अपना गांव है, तो आपने कहा था कि मैं बुद्धनगर खंडवा जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराऊंगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक या पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं, और गाँव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी, आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहां पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए आप किसके बाद। जिसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई, फिर जवाब में मंत्री ने संजय से कहा, समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर एक तो नहीं बताइए, आप प्रचार कर रहे जी मैम, एक बात तो बताइए, आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि माँ का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो केस क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गाँव में? बुद्धनगर वासी सहमत है या नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ, बरात घर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरात घर है? रास्ता है? बात रखना, तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी, और जब बात रखी है रखने दो बात, तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जो तूने कही है, अभी समय नहीं निकला है। फिर एक गांव का नाम याद दिलाते हुए कहा, ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया, कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है, ये दोनों ही गांव मेरे हैं, और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं, ये बुद्ध नगर कुंदनपुर और खंडवा ये सब जो शुरुआत मैंने की है, तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा, जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे, जल्दी काम होगी। आप शौचालय सबको लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन बाद में एक कार्यकर्ता की शिकायत पर पत्रकार के ऊपर धारा 151 के तहत मुकदमा दर्ज करके पत्रकार संजय राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि फिर जमानत दे दी गई, लेकिन तब तक बीडीओ और संजय की गिरफ्तारी की खबर वायरल हो गई। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, मामले में जब मंत्री जी से बात की गई तो मंत्री ने खुद को मामले से पूरी तरह अलग कर चलते बने। मेरे सामने वो जेल में गया है, वो आप बात हुई, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं उसको लेकर के, और विपक्ष इस वक्त बहुत हावी हो रहा है, और आप तो कह रहे हैं आप हमें जानकारी नहीं है, तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं चेक डैम का उद्घाटन में वो करने गई थी, शिलान्यास करने गई थी, मैं वहाँ फीता काट रही थी, वो उलझ रहा था सब लोगों से, किससे गाँव वालों से उलझ रहा था, हमारा एक कार्यकर्ता है उससे उन्हें थप्पड़ भी मार दिया, वहाँ पे पुलिस थी और वो ले गई उसके लिए, तो हम लोगों से कोई संबंध उसका है ही नहीं, हमसे तो कार्यकर्ता सब कहते हैं ये काम कराओ वो काम कराओ,
तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से आपको विपक्ष घेर रहा है तो उसमें विपक्ष काहे का घेरेगा, हमें क्यों घेरेगा विपक्ष, हमें मतलब ही नहीं है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बताया कि जो है वो कुछ भी कहे वो अलग बात है, लेकिन हमारा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मंत्री के सवाल जवाब और संजय राणा की गिरफ्तारी से दो बातें हुई, एक संजय राणा वायरल हो गए, दूसरा विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया और मामले में एक सवाल छोड़ दिया, क्या आप सरकार से सवाल करना गुनाह है, क्या हम अपनी तरक्की का हिसाब नहीं मांग सकते। लेकिन एक बात जिस पर चर्चा होनी चाहिए उस पर हुई ही नहीं, वो बात है पत्रकार से मंत्री के बात करने के लहजे की। जिस तरह गुलाब देवी ने पत्रकार से तू तेरा तुझको कहकर बातचीत कर रही हैं, उससे स्पष्ट है कि वो क्षेत्र के लोगों से कैसे बात करती होंगी। और यह भी बात स्पष्ट है कि किस तरह के जनप्रतिनिधि हम चुन रहे हैं या फिर चुने जाने के बाद जनप्रतिनिधियों का लहजा जनता और लोगों के प्रति किस तरह से हो जाता है। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, नमस्कार, धन्यवाद। मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था, उन्होंने कहा था कि 75 लाख के गाँव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहाँ पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद किसी बात के ऊपर यहाँ लाया गया है। अच्छा। मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल रखे, बुला रहे हो। लेकिन FIR जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ रहे बदतमीजी की किसी। नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ा हूँ, मैं पीछे इजाजत ली थी मैंने डॉक्टर पेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाजत ली है, उसके बाद मैंने कुछ जानकारी दी कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है, अगर किसी के पास गाली गलौज की हो तो इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। तो क्या मानते हो FIR कैसे दर्ज हुई आप पे, आपने कोई गलत हरकत की? बिल्कुल नहीं की, कोई गलत हरकत नहीं की। जब कोई गलत, जब आपके बारे में कोई गलत न्यूज़ दे रहा है कि हम यहाँ पर इतना विकास कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो बताइए आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं उठाएंगे। अब आपको कहाँ लाया गया है, कहाँ लाया गया आपको, पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? अरे पुलिस पकड़ के लेकर आई जी हाँ। कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो जी, अब यहाँ क्या करने आए हो? जमानत करा जी, जमानत। क्या नाम है तुम्हारा? संजय राणा। आपने सवाल जवाब किए थे मंत्री जी? मैंने किए।